ओके फाइन, तो आज हम स्टार्टअप करेंगे। जो ये ऑडियो बन रहा है, ये वीडियो बन रहा है ना, ये मतलब कॉमन है, जेन्युइन है, तो इसमें क्लास पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये हमारा पहला ऑनलाइन क्लास का वीडियो है, मतलब जो हम डालेंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदी में किसी चीज पे, विशेषण पे। विशेषण होता क्या है? विशेषण होता क्या है? पहली बात है कि देखो, विशेषण को अगर हम बयां करें तो जो संज्ञा और सर्वनाम दोनों की, संज्ञा और सर्वनाम, मैं अभी आपको पूरी लिखी दिखा रहा हूं, आप देखेंगे जरा। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता तथा हीनता, दोनों को हीनता, इन दोनों को बताता हुआ प्रतीत हो, वो क्या कहता है? विशेषण होता है। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम किसी की भी विशेषता अथवा हीनता दिखाई देता हुआ, बताता हुआ प्रतीत हो, क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है। मेरी बात क्लियर हो रही है? ओके। अब हम संज्ञा अथवा सर्वनाम को ही विशेष कहते हैं, विशेष कहते हैं, ये और ध्यान रखिएगा। विशेष, बच्चे विधेय में कंफ्यूज हो जाते हैं, विधेय होता है तो विधेय में कंफ्यूज हो जाते हैं। हम संख्या, इसको संज्ञा और सर्वनाम को ही हम क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। क्लियर हो रहा है? ओके। एक चीज और रोकना चाहूंगा, ये हमारा पहला ऑनलाइन क्लासेस है जो बच्चे देख रहे हैं, मतलब करीब 10-15 हज़ार बच्चे तो ऑन टाइम देखते देखते हैं, तो उनको यकीन हो जाए कि ये ऑनलाइन क्लासेस है। मैं थोड़ा सा कैमरे को घुमाना चाहूंगा और बच्चों का स्ट्रेंथ आप देख सकते हैं, जो बच्चे यहाँ बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, तुम्हें यकीन हो जाए कि हम, अब तुम्हारी फोटो नहीं आएगी अच्छी तरह से, शांत रहो, तुम्हारी फोटो और दे देंगे तो उनको पता लग जाए, जो बच्चे बैठे हैं, कि ये रियल में लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग आपको भेजी जा रही है हेल्प के लिए। तो बातें नहीं, अदरवाइज क्लास से बाहर कर दिए जाओगे। सुनो, संज्ञा अथवा सर्वनाम की हीनता और विशेषता बताता हुआ विशेषण कहलाता है। अब ये विशेष्य क्या है? एक क्वेश्चन आया था, लाइन दे दी गई थी विशेष्य के ऊपर कि ये विशेष्य है क्या। जैसे अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं कि राम मतलब, या फिर अच्छे आदमी की हमेशा तारीफ होती है, ठीक है, अच्छे आदमी की हमेशा तारीफ होती है, और बुरा आदमी, समझना मैं तुम्हें बहुत गहराई से समझा रहा हूं, बुरा आदमी हमेशा अपमानित होता है, अपमानित होता है, ठीक है। ये हमारे पास दो वाक्य हैं, अच्छे आदमी की हमेशा तारीफ होती है और बुरा आदमी हमेशा अपमानित होता है। अब आपको सामने समझ में आ रहा होगा, अच्छा आदमी बुरा, ये दोनों क्या है? विशेषण है, वेरी गुड, ये दोनों विशेषण है। और जो आदमी है ये जातिवाचक संज्ञा है, मेरे को समझ में आ रही है बेटा आपको? तो आदमी आदमी ये क्या कहलाएगा? विशेष्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विशेष्य कहलाएगा। शाबाश। तो ये होता है विशेष्य और ये होता है विशेषण। क्लियर हो गया? ये हीनता भी बताया इसने और तारीफ भी की, यानी उसकी विशेषता भी बताई। ओके, तो ये है विशेषण। क्लियर हुआ सबका विशेषण? गुड। हाँ, एब्सोल्यूटली डीमेरिट्स बताता है, ठीक है। अब आती है, विशेषण कई प्रकार के होते हैं, लेकिन अगर विशेषणों को देखा जाए तो मुख्य रूप से विशेषण चार प्रकार के होते हैं। आ जाओ, विशेषण चार
प्रकार के होते हैं मुख्यतः अगर मैं बात करूं, ठीक है। पहला होता है, बताएं आप लोग, पहला विशेषण कौन सा होता है? गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, शाबाश, गुणवाचक विशेषण। दूसरा कौन सा होता है हमारा? संख्यावाचक। अगर हम क्रम देखें, संख्यावाचक विशेषण। तीसरा कौन सा होता है हमारा? परिमाण वाचक विशेषण। कल बताया था मैंने चौथा, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण ये हमारे जो होते हैं, सार्वनामिक कहते हैं इसे, सार्वनामिक लिख लो, सार्वनामिक लिख लो, विशेषण कहा जाता है। क्लियर हो रहा है? तो ये हमारे चार विशेषण होते हैं और इनका अलग अलग गुण होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अभी कोई लिखेगा नहीं है, पहले समझो, मैं बाद में लिखवाऊंगा, पहले आप समझो। तो पहले हम गुणवाचक की बात करेंगे, गुणवाचक क्या होता है, ठीक है। गुणवाचक जो विशेषण है, अगर एक क्वेश्चन आया था कि सबसे ज्यादा व्यापक विशेषण कौन सा है, सबसे ज्यादा व्यापक विशेषण है वो है हमारा गुणवाचक। भाई क्यों इसको व्यापक विशेषण कहा जाता है? क्योंकि इसका जो क्षेत्र है वो क्या है दोस्तों? बहुत ज्यादा। तुम्हें बड़ा अच्छा लग रहा होगा ना मैंने तुम्हें दोस्तों कह दिया, नहीं तो हमेशा तुम्हें मैं कटु शब्द बोलता रहता हूँ, क्योंकि YouTube पे जाने वाला लेक्चर है ये, तो कुछ बड़े लोग भी हमसे देखते हैं, तो इसे दोस्तों करके उच्चारित करना सही है। तुम्हें कितनी खुशी हो गई ना, सर ने पहली बार दोस्त कहा है, तो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। एनीवे, दुष्ट पापी, यस, नहीं नहीं ओके। तो गुणवाचक जो विशेषण है उसे व्यापक विशेषण कहा जाता है, क्योंकि इसका, बातें नहीं आप सुनो, इसका जो क्षेत्र है वो बहुत ही व्यापक है, ठीक है। ये कई प्रकार से होता है, ये रंग को बताता है, रूप बताता है, व्यवहार बताता है, ये स्थिति बताता है, आकार बताता है, समझ में आ रहा है? इसलिए हम बहुत सारी चीजें हैं, है ना, तो आकार बताता है, स्थिति बताता है, समय बताता है, समय का बोध कराता है, यानी इसकी जो व्यापकता है वो सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा फैला है, इसलिए इसे हम व्यापक विशेषण कहते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर मैं कोई उदाहरण दूं गुणवाचक का, ये व्यक्ति बहुत ही लंबा है, तो लंबा इसका क्या हो गया? है तो विशेषण लेकिन क्या है? गुण है। मेरी बात समझ में आ रही है? क्या है? गुण है। बहुत लंबा हो गया, ओके, ठीक है। तो मैं गुणवाचक समझ में आया, मैं भी परिभाषा लिखवाऊंगा तो आप लिख लेना, पहले आप समझना जरूरी है। तो ये हो गया हमारा गुणवाचक विशेषण। अब आता है, क्या होता है कि कोई विशेषण गुणवाचक में ही, जैसे गुणवाचक की बात है, कोई विशेषण आता है और वो विशेष को और ज्यादा चमका देता है। हिंदी व्याकरण में चमका देने वाली शब्द का बात होती है, चमका देता है, मतलब कोई गुण, मतलब विशेषण आता है, एक ऐसा पद आता है, एक ऐसा शब्द आता है जो विशेषण का रूप धर के आता है और किसी वाक्य में जुड़ता है विशेष्य के साथ। विशेष्य मतलब विशेषता, संज्ञा के ही जुड़ेगा, तो जब वो जुड़ता है तो वो विशेषण को चमका देता है, ठीक है। ऐसे विशेषण वाले शब्द, ऐसे शब्द जो विशेषण रूपी होते हैं और शब्द मतलब विशेष्य को चमका देते हैं, उन्हें ही पदवाचक विशेषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है उन्हें? पदवाचक विशेषण कहा जाता है। मेरी बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? पदवाचक विशेषण कहा। अब हम इसका उदाहरण देखते हैं। ये क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण का भाग लगा है? ओके, तो आप देखें पदवाचक विशेषण होता क्या है।
जैसे कल चिल चिलाती धूप निकली थी। ये है ना, ये चिल चिलाना है तो विशेषण, लेकिन विशेष विशेष क्या है? धूप। धूप तो विशेष है ना भाई, जो निकलता है मतलब संज्ञा है या नहीं है, नाम है। लेकिन इस चिल चिलाने ने उसको एक विशेषार्थ प्रदान कर दिया। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो चिल चिलाती धूप क्या कहलाएगा? ये शब्द पद वाचक विशेषण कहलाएगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ओके, एक और उदाहरण लेते हैं अपन पदवाचक विशेषण का। ये बता रहा हूं मैं पदवाचक विशेषण। एक और लेते हैं हाँ, बरसात में बज बजाता नाले ने, ये अंडरलाइन आती है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। बज बजाता नाले ने नगर निगम की पोल खोल दी है। तो ये बज बजाता नाले ने निगम की पोल खोल दी है। मेरे पास समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो ये इस प्रकार ये शब्द जुड़ा, बज बजाता एक डिफरेंट सा वर्ड है तो विशेषण, उफनता, बज बजाता मतलब क्या, वो नगर उफनता हुआ, लेकिन ऐसे डिफरेंट शब्द को, इसी को कहते हैं पदवाचक विशेषण। क्लियर हुआ? बल बलाती नागिन, बल खाती नागिन, ये शब्द भी आया है। ये लड़की ऐसे चल रही है जैसे कोई बल खाती नागिन चल रही हो, बल खाती नागिन। तो इस प्रकार के हो गए बेटा पदवाचक विशेषण। ठीक है, अब क्या होता है कि कुछ ग्रामीण लोग, तत्सम शब्द मैंने बताए थे संस्कृत के, तत्सम से हिंदी का रूप आया और हिंदी भाषा को तोड़ मरोड़ के एक पृथक भाषा का और निर्माण हुआ, वो है ग्रामीण भाषा। ठीक है ना, तो क्या होता है, लाल सफेद धूप सा रंग, जैसे सफेद रंग, बहुत सफेद रंग, बहुत सफेद रंग, उसे दप दप कहते हैं। तो ये शब्द भी विशेषण के रूप में आते हैं, दप दप, है ना, बड़ा ही दप दप करके तूने अपनी शर्ट, तेरी शर्ट दिख रही है, मतलब सफेद सफेद शर्ट का दिखाई देना, है ना। और करिया स्या, बहुत काले को क्या बोलते हैं, करिया सा, ग्रामीण क्षेत्र में बहुत काले को करिया स्याह, करिया स्याह, ठीक है ना, करिया स्याह, ठीक है ना। तो हाँ, वेस्ट इंडीज का उदाहरण दे रहे हो आप लोग, ओके। तो करिया सा, तो ये भी विशेषण का ही रूप है और ग्रामीण भाषा को भी पदवाचक विशेषण के रूप में मान्यता प्राप्त कराई गई है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? चिलचिलाती धूप मतलब वो धूप, ये धूप, तो बहुत सफेद रंग, दप दप सा, करिया सा, है ना। और लाल लाल टमाटर को कहते हैं लघु लघु, कह के गाँव बोलते हैं, मतलब समझे कि कुछ अगर ग्रामीण भाषा भी है जिसे मतलब प्रयोग किया जा रहा है विशेषण के रूप में अलग वाला, तो वो भी पदवाचक विशेषण के रूप में कहलाएगी। सबको क्लियर हो गया? yes, पदवाचक विशेषण क्या होता है? ऑसम। यार देखो, पता नहीं है, अगर कोई विशेष, अभी तो विशेष्य को पहचानना है, विशेष्य के सामने कोई ऐसा शब्द जरूर जुड़ा होगा, विशेष्य के सामने कोई ऐसा शब्द जुड़ा होगा जो उसकी या तो हीनता बताएगा या विशेषता बताएगा, कोई और शब्द तो होगा नहीं, तो इजीली यू कैन गेट इट, दोनों में विशेषण ही बताएगा और हीनता ही बताएगा बेटा, तो आराम समझ सकते हैं, कुछ तो बोला होगा जो हमारे समझ से परे है, यू कैन इजीली आइडेंटिफाई। तो आ जाओ, नहीं यार, हर की भाषा की अपनी अपनी है, जल्दी आओ।
तुम लेट आते हो और मेरा कैमरा हिलाते हो, ये लाइव क्लासेस चल रही हैं, बच्चों को रिकॉर्डिंग देंगे, जो लेट आएगा उसी की फोटो डाल दूंगा, तुम इंडिया में फेमस हो जाओगे, 1,00,000 लोग तुम्हें लाइक करेंगे, ये बच्चा लेट आया है, कल को तुम्हारे परिजन भी देख लेंगे, है ना, ये सर ये लेट आता है, लोग कितना सीरियस है पढ़ाई के प्रति, अब आओ लेट, ये अच्छी चीज है, और बच्चों का भी फायदा हो रहा है, लाइव क्लासेस देख रहे हैं और तुम्हारी फोटो भी करेंगे, अब आओ लेट, पक्का घुमा देंगे कैमरा। चलिए एनीवे, तो गुणवाचक समझ में आया, गुणवाचक किसी का रंग रूप स्थिरता स्थिति समय सबको बताता है, और उसी में पदवाचक भी जुड़ जाता है एक विशेषता रूप में, ठीक है। अब आता है हमारा दूसरा संख्या वाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। अब ये संख्यावाचक विशेषण होता क्या है, इसकी हम तहरीर पे देखें, संख्यावाचक विशेषण देखो, जब कोई शब्द विशेष की निश्चितता एवं अनिश्चितता को दर्शाए, उसे क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण। मेरी बात समझ में आ रही है, जब कोई शब्द निश्चितता एवं अनिश्चितता दोनों को दर्शाए तो विशेषता की, उसे क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अनिश्चितता तो आसान है, मैं उदाहरण दे रहा हूं लेकिन इसमें हम गहराई में जाएंगे। जो अनिश्चितता है, जैसे निश्चितता मतलब कोई बताओ उदाहरण, मैं वहां जाऊंगा, ये 4 लोग हैं, ये 5 लोग हैं, वहां पे संख्यावाचक है ना, और वहां पे कुछ पड़ा हुआ है दूध में, अनिश्चित है, कुछ पड़ा है, कुछ लिखा है, मैंने राम लिखा है निश्चित है, लेकिन मैंने कुछ लिखा है अनिश्चितता है, तो अनिश्चितता समझ में आ जाएगा, लेकिन निश्चितता परीक्षा में आ जाता है और ये डिफिकल्ट होता है। तो अनिश्चितता के हम कुछ भेदों को जानेंगे, निश्चितता के संख्यावाचक विशेषण समझ में आया परिभाषा या नहीं आया, जो चीज संख्यावाचक हो निश्चित और अनिश्चित होती है। अब हम बात करेंगे निश्चितता की, निश्चितता में क्या होता है, पहला होता है हमारा गणनावाचक, ठीक है, इसमें 2 आ जाते हैं, एक पूर्णांक गणना और एक आ जा है अपूर्ण गण, ठीक है, एक पूर्ण गणना और एक अपूर्ण, ये किसके हैं, ये बेटा गणनावाचक के 2 हैं, ठीक है। दूसरा आता है हमारा क्रमवाचक, क्या आता है, क्रमवाचक। तीसरा हमारा आता है संग्रह वाचक। चौथा आता है हमारा, अगर हम देखें, आवृत्ति वाचक। पांचवा हमारा आता है संग्रह वाचक। समुदाय जो वाचक होता है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, तो इस प्रकार के हमारे इनके रूप हैं जो हम करेंगे। तो इसकी पहले परिभाषा लिखिए, क्योंकि ये परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी। सही बच्चे परिभाषा लिखेंगे, सर हमने तो स्टार्टिंग से कुछ नहीं लिखा। एक परिभाषा लिख लो, लिखने की जरूरत नहीं है, इसकी परिभाषा लिख लो, संख्यावाचक विशेषण को, ये लिखना जरूरी है परिभाषा, संख्यावाचक विशेषण विशेष्य की संख्या का सही अनुमान बताता है, संख्यावाचक विशेषण विशेष्य की सही संख्या का अनुमान बताता है, ठीक है।
ठीक है, सही संख्या का अनुमान बताता है। वो संख्या कुछ भी हो सकती है, वो संख्या कुछ भी हो सकती है, ये लिख लेना, वो संख्या कुछ भी हो सकती है जिसको समझने के लिए छह मुख्य भेदों को समझना जरूरी है। सॉरी, जिसको समझने के लिए छह बीप सा लिखा है हमने, ये बी, जिसे समझने के लिए छह भेदों को समझना जरूरी है। इसके भेद हैं, पहला कौन सा है? गणनावाचक। ठीक है, मत लिखो मत, पहले समझ लो, छह भेद हैं। गणनावाचक, गणनावाचक क्या होगा? पूर्ण होगा। पूर्ण मतलब यहां पे चार व्यक्ति हैं, यहां पे छह व्यक्ति हैं, समझ में आ रहा है? ये गणनावाचक है, पूर्ण हो गया। ये अपूर्ण मतलब नहीं, वो तो अनिश्चित हो गया, मैं निश्चितता की बात कर रहा हूं भैया, ये निश्चित चल रहा है, निश्चित, निश्चित में कुछ नहीं होगा, निश्चित में जो होगा वो सटीक होगा। तो क्या होगा? हट, उल्टा टांगने हम तुम्हें, अच्छा। नहीं, निश्चितता में पूर्णांक हुआ चार लोग, पांच लोग, छह लोग, अपूर्ण में हो गए ढाई किलोमीटर, सवा किलोमीटर, पौने तीन किलोमीटर, यह अपूर्णता को दर्शा रहा है तो निश्चित। उदाहरण लिख लें सभी बच्चे यहां बैठे उपस्थित, ये लिखो, अब मैं लिखवाऊंगा नहीं, समझा रहा हूं, कर फटाफट कर लो। तो गुण पूर्ण समझ में आया, चार किलोमीटर, पांच किलोमीटर, छह किलोमीटर, अपूर्ण है तो निश्चित, अपूर्ण निश्चित, अपूर्ण है तो निश्चित, सवा किलोमीटर, ढाई किलोमीटर, पौने तीन किलोमीटर, ये अगर शब्द आते हैं, ये गुणवाचक में आते हैं, अनिश्चित मत लिख देना, बच्चे अनिश्चित करके आ जाते हैं, समझ में आ गया? ओके, समझ में आ गया गुणवाचक, गण है ना, गणनावाचक। फिर आता है क्रमवाचक, क्रम मतलब कोई क्रम में, सीक्वेंस में होना किसी व्यक्ति को, ये मैं करा रहा हूं संख्यावाचक विशेषण के छह उपभेद। तो फिर क्रमवाचक, तो क्रमवाचक में क्या होता है? प्रथम, इस बच्चे ने प्रथम स्थान लिया है, इस बच्चे ने तीसरा स्थान लिया है, इस बच्चे ने चौथा स्थान लिया है, इस बच्चे ने पांचवा स्थान लिया है, ये क्या हो जाएगा बेटा? क्रमवाचक है ना, विशेषण हो जाएगा, वेरी गुड। अब आता है संग्रहवाचक, संग्रहवाचक मतलब जोड़ना, समझ में आता है, संग्रह करना। संग्रहवाचक का उदाहरण बताइए, संग्रहवाचक मतलब जोड़ना, संग्रह करना है, समूह हो गया, दस लोग है ना, पांच लोग, छह लोग वहां गए, संग्रह है ना, आठ किताबें, आठ पुस्तकें, उदाहरण समझ लीजिए, आठ पुस्तकें, बारह पुस्तकें, ये क्या है? संग्रह है, मेरे पे आठ पुस्तकें हैं, मतलब संग्रह विशेषण है। ओके, आवृत्ति, आवृत्ति मतलब संख्या को बताना, दुगुना, तीन गुना, चार गुना, पांच गुना, मेरे पास इससे छह गुना ज्यादा संपत्ति है, तो ये किसमें आएगा? है तो संख्यावाचक, लेकिन किसमें आएगी? ये आवृत्ति है ना, आठ गुना, नौ गुना, तो ये आवृत्ति में आएगा। मेरे पास समझ में आ रही है सभी के? हाँ, क्या बेटा? गणना में क्या होता है? चार लोग हैं जो जाते हैं, ये वाक्य बदल जाएंगे, कोई संख्या बताई जा रही है चार पांच छह, यहां बताई जाएगी मेरे पास आठ पुस्तकों का संग्रह है, मेरे पे बारह है, तो सभी संख्या दर्जन नहीं, हाँ नहीं, दर्जन नहीं बोल सकते, संग्रह है, दर्जन जाएगा समुदाय में, गणना में आएगा, संग्रह में नहीं, मेरे पास चार किताब, नहीं सुनो, वो चार लोग हैं, वो छह लोग हैं, वो है गणना, मेरे पास अगर छह किताबें हैं, आठ किताबें हैं, वो संग्रह है, क्योंकि मैंने उनको अपने पास रखा हुआ है, संग्रह मतलब जोड़ के रखना, कलेक्शन करके रखना, हाँ मेरे पे चार पुस्तकें हैं, मेरे पे चार पुस्तकें हैं, संग्रह है ना उनका, मेरे पे कलेक्शन है ना, तो संग्रहवाचक में आ गया। वहां पांच लोग जा रहे हैं, वहां छह लोग जा रहे हैं, सात लोग जा रहे हैं, वो गणना, क्या बेटा? दस लोगों को बुलाया,
संग्रह थोड़ी ना हो गया, तू तो संग्रह कर रहा हूं क्या, गणना हो गई ना, हमेशा थोड़े रखोगे। संग्रह किस चीज का है आपके पास? एब्सोल्यूट। समझ में आया? आपको संग्रह समझाना हो और एग्जांपल लिख लो, लिखो एग्जांपल लिखिए, समझ में बातें मत करो, एग्जांपल लिखो। जैसे संग्रह में आठों पुस्तकें, चारों आदमी आठों पुस्तकें, ये संग्रह की बात हुई, ठीक है? आठों पुस्तकें, चारों आदमी, और समझ लो ठो लग गया पीछे से, चारों आठों दसों, ये क्या है? संग्रह में है। सर मेरे पास 100 रुपए हैं, ये क्या हुआ? गणना। अब बोल तो रहा हूं, मेरी बात सुनो तो सही। हाँ, ये कोई संग्रह थोड़ी ना किया अपने पैसे का, सुनो पहले। अरे एक एक रुपए कमाया है, देखो ऐसे फिर समझ लो, जैसे मेरे पास 100-100 रुपए हैं, तो ये संग्रह मेरे पे 100-100 रुपए हैं, मेरे पास 100-100 रुपए की जमा पूंजी है, ये संग्रह है। मैं सुन ले पहले, फोकटाई बातें कर रहा है, 100-100 नोटे हैं, सुन तो ले यार एक ही चीज को, दसो पहले सुनो, मेरे पास 100-100 रुपए हैं, ठीक है ना, 100-100 नोट ले, चल तेरी आत्मा फिर बिलकती रहेगी, मेरे पे 100-100 नोटे, कैसे गंदा सा तूने वाक्य बनाया, पापी कहीं का सही वाक्य नहीं बना पाया, 100-100 नोटे कितना गंदा सा वाक्य लग रहा है, अशुद्ध वाक्य बता रहा है, मेरे पे 100-100 रुपए के नोट हैं, है ना, तो ये संग्रह हो गया, चारों पांचों, मेरे पे 100 रुपए हैं, ये भी संग्रह है। संख्या, ये संख्या क्या है? गणना, ये मैं किससे कर रहा हूं, चार लोग आ गए, वहां पांच लोग थे, समझ में आ रहा है मेरे, है ना, मैंने 5 रुपए खर्च कर दिए, मतलब ये संख्या को बता रहा है, गणना को बता रहा है, मेरे पे 100-100 रुपए हैं, मेरे पे 6-6 100 रुपए हैं, मेरे पे, ये संग्रह को बता रहा है, अपने पास संग्रह की स्थिति आ रही है, समझ में आ रहा है, मैं 100-100 लोग, 600 लोग, चारों मतलब संग्रह बता रहा है, समझ में आ रहा है। अब तुम बोलोगे अब ये आवृत्ति है, आवृत्ति मतलब क्या, दुगुना, तीन गुना, चार गुना, मेरे पे 6 गुना है, मेरे पे 7 गुना है, मेरे पे 8 गुना है, ये क्या बता रहा है, आवृत्ति को सूचक करता है, ठीक है। अब समुदाय, समुदाय मतलब कपल, 1 दर्जन, 2 दर्जन, 5 दर्जन, 1 जोड़ी जूते लिए मैंने, ये किसमें आएंगे, समुदाय में आएंगे, ग्रुप में आएंगे, क्लियर हो रहा है। उदाहरण लिखिए सभी, गणनावाचक का उदाहरण क्या था, पूर्णांक, 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग, अपूर्ण, 4.25 किलोमीटर, 2.25 किलोमीटर, ऐसे अपूर्ण, क्रमवाचक, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, संग्रह, चारों, पांचों, दसों, 100 लग गया यार समझ लो, दसों है ना, पांचों, आठों किताबें, ये हो गया संग्रह। आवृत्ति, 2 गुनी, 4 गुनी, 5 गुनी, ये क्या हो गई, आवृत्ति हो गई। समुदाय, 1 दर्जन, 2 दर्जन, 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, ये क्या है, समुदाय वाचक है, क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा। अब आता है बीपसा, बीपसा बहुत ही, ये बीपसा नहीं है घृणा वाला, रस में मत चले जाना, ये बीपसा है, बीपसा का मतलब होता है, पहले सुन लो, मैं ऊपर का मिटा दूं, बीपसा का मतलब होता है विशेष, कोई भी विशेष चीज है, मैं यहां लिख देता हूं, बीपसा सबसे महत्वपूर्ण इसका है, और बीपसा का काफी प्रयोग होता है, बीपसा विशेष बातें अगर कर रहे हो बेटा मुझसे करो ना, क्यों नहीं कर रहे, जब उदाहरण बता रहा हूं सब कुछ बता रहा हूं, बातें मुझसे करो, आपस में डिस्कस कैसे करोगे आप, बगल वाला भी चंडे मुंडे है, तुम मतलब ढंग से बात, मुझसे बातें करो। बीपसा विशेषण क्या, ओके, बीपसा का मतलब होता है इसमें क्या, शब्द जो शुरू होता है या तो वो निरंतर होता है, निरंतरता देता है, या फिर प्रति, प्रत्येक, निरंतरता, प्रति, प्रत्येक इत्यादि को देता है,
आप समझ में नहीं आया भाई मेरे, ये निरंतरता का मतलब क्या है? निरंतरता का मतलब हर तीन, वो तो मुझे ही मालूम है लगातार, पर्यायवाची थोड़ी ना पूछूं तुमसे मैं, इसका प्रयोग कैसे करोगे? मतलब हर 3 घंटे में ट्रेन आती है, निरंतरता का बता रही है, हर 3 घंटे में, ये हो गया विशेषण, कौन सा हो गया? विप्सा, विशेषता बताई जा रही है, इस स्टेशन पर हर 3 घंटे में ट्रेन आती है। अरे वाह, प्रत्येक शनिवार को टेस्ट होगा क्लास में, शाबाश, प्रत्येक आ गया, तो ये किसमें आ गया? विप्सा में, प्रत्येक शनिवार को, ये हो गया विशेषण, प्रत्येक प्रत्येक शनिवार को कालका यस एकेडमी में टेस्ट होता है, तो ये किसमें आ गया? विशेषण में आ गया, यानी विप्सा। निरंतरता, बार 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 गलत पढ़ रहे हो, निरंतरता का बता रहा है, बार बार गलत पढ़ रहे हो, मतलब निरंतरता को बताता है ये विशेषण, और प्रति प्रत्येक को होता है। इसका उदाहरण एक और लिखो जो परीक्षा में आया है, उदाहरण है इसका विप्सा का, लिखेंगे प्रत्येक 3 घंटों पर यहां से, प्रत्येक 3 घंटों पर यहां से एक गाड़ी खुलती है, प्रत्येक 3 घंटों पर यहां से एक गाड़ी खुलती है, 3 घंटों के नीचे, प्रत्येक के नीचे लगा लो, प्रत्येक 3 घंटे के नीचे अंडरलाइन कर लो, यह है विप्सा वाचक विशेषण। एक उदाहरण लिख लो, 5-5 छात्रों के लिए एक कमरा है, 5-5 छात्रों के लिए एक कमरा है, ये क्या हो गया? विप्सा विशेषण, 5-5 हो गए, निरंतरता आ रही, निरंतरता 5-5, दो शब्दों का प्रयोग करना बार बार, दो शब्दों का प्रयोग होना बार बार, निरंतरता को दिखाई देना या प्रति प्रयोग को होना, क्लियर हो गया? ओके, तो ये हमारा था, कौन सा विशेषण मैंने कराया अभी, जिसके 6 भेद कराए, संख्या वाचक विशेषण, ठीक है। इसके बाद तीसरा कौन सा बताया था मैंने, 2 हमारे हो गए, परिमाण वाचक विशेषण। परिवार में क्या होता है? नाप और तौल, नाप तौल करना ही परिमाण है, ठीक है ना। इसे ज्यादा डीप नहीं कराएंगे क्योंकि ये इससे क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते और परिमाण समझ में आ जाता है। जैसे ये तो बहुत कम दूध है, क्या हो गया? परिमाण है, नापने वाला है ना, ये तो बहुत कम दूध है, ये तो बहुत ज्यादा सामान लाके रख दिया, क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा? इसको उदाहरण लिख लीजिए, बड़ा उदाहरण लिख लें, परिमाणता बताता है परिमाणवाचक विशेषण। जैसे मुझे थोड़ा दूध चाहिए, बच्चे भूखे हैं, परिमाण हो गया, मुझे थोड़ा दूध चाहिए, बच्चे भूखे हैं, ठीक है, क्लियर है नहीं है? बारात को खिलाने के लिए 4 क्विंटल चावल चाहिए, बारात को खिलाने के लिए 4 क्विंटल चावल चाहिए, परिमाण है 4 क्विंटल चावल चाहिए, एक वस्तु की परिमाण मतलब नाप तौल, 4 क्विंटल चावल चाहिए, यानी परिमाण वाचक एक ऐसा शब्द है जो विशेष की निश्चितता और अनिश्चितता की मात्रा को दर्शाता है, समझ में आया? मात्रा, परिमाण वाचक विशेषण एक ऐसा शब्द है जो विशेष की निश्चित और अनिश्चित मात्रा को दर्शाता है, ठीक है, नाप तौल होना ये करना, ठीक है। अब चौथा है हमारा सर्वनामिक, सर्वनामिक विशेषण, लिख लीजिएगा सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण मैंने कल भी बताया था, आपको एक्सप्लेन किया था, जब ये क्या करता है, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने बताया था संज्ञा मतलब जातिवाचक संज्ञा को विशेषण नियंत्रित कर देता है, जातिवाचक संज्ञा को जो विशेषण होता है नियंत्रित कर देता है। जैसे बच्चे खेल रहे हैं, ये जातिवाचक है, ये जो लाल चड्डी धारक खेल रहे हैं, बच्चे निक्कर पहन के खेल रहे हैं,
इनके बारे में बात। तो लाल लेकर खेल के खेलना मतलब विशेषण बता दिया, लाल कलर का खेल रहे तो इनको इन्होंने